हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज होम में। तो दोस्तों, गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या में शामिल गैंगस्टर दीपक टीनू पंजाब पुलिस की गिरफ्त से फरार हो चुका है। जिस तरीके से वो भागा है, उससे संदेह जताया जा रहा था कि उसकी किसी ने मदद की है। इस मामले में पहले CIA प्रभारी प्रतिपाल सिंह की भूमिका का खुलासा हुआ। आनन फानन आला अधिकारियों ने प्रतिपाल को सस्पेंड कर दिया। इसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। फिर पता चला कि प्रतिपाल दीपक को उसकी प्रेमिका से मिलवाने के लिए ले गया था, जिसके बाद दीपक फरार हो गया। अब उसकी प्रेमिका के बारे में भी बड़ा खुलासा हुआ है। इस नई सूचना से पुलिस भी स्तब्ध है। दरअसल CIA प्रभारी दीपक को उसकी जिस प्रेमिका से मिलाने ले गया था, वह भी पुलिस वाली निकली। पंजाब पुलिस में सिपाही यह महिला माजा इलाके की रहने वाली है और मालवा में तैनात है। किरकिरी से बचने के लिए फिलहाल सभी अधिकारी चुप्पी साधे हुए हैं। आला अधिकारी इस बात से चिंतित है कि पुलिस महकमे में गैंगस्टरों का दखल किस हद तक पहुंच चुका है। सूत्रों ने बताया कि दीपक टीनू की महिला सिपाही से मुलाकात एक पेशी के दौरान हुई थी। दोनों में लगातार फोन पर बातें होती थी। टीनू ने CIA प्रभारी प्रतिपाल सिंह से प्रेमिका से मिलने की इच्छा जताई थी। सूत्रों का दावा है कि उसने CIA प्रभारी से यह बात छिपाई कि उसकी प्रेमिका पुलिस में है। रविवार को जब जांच हुई तो काउंटर इंटेलिजेंस के अधिकारियों के होश उड़ गए। SSP मानसा गौरव धूरा का कहना है कि जांच अभी जारी है, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है।